टीम इंडिया से बाहर होने के बावजूद संजू सैमसन ने दे दिया ऐसा बयान, क्रिकेट फैंस कर रहे हैं सलाम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। संजू सैमसन को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया, पहले T20 में मौका दिया गया, वहां पर उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिसके बाद में कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को मौका मिलना अब मुश्किल है और टीम इंडिया से बाहर है। लेकिन संजू सैमसन ने एक ऐसा बयान दे दिया है टीम इंडिया से बाहर होने के बाद, जिसके बाद क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि वास्तव में यार खिलाड़ी हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा जिसे लगातार बाहर होना पड़ रहा है, जिसको लगातार अपमान का सामना करना पड़ता है, जिसे लगातार टीम इंडिया बाहर कर देती है, एक दो मैच खिलाने के बाद टीम इंडिया उसको लगातार मौके नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद संजू सैमसन ना तो अपना धैर्य खोते हैं, ना संजू सैमसन कोई बेतुका बयान देते हैं, ना संजू सैमसन को गुस्सा आता है, ना संजू सैमसन अपनी भड़ास निकालते हैं, ना संजू सैमसन किसी पर सवाल खड़े करते हैं। यह संजू सैमसन की बड़ी आदत है। अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए, आप लोगों को पता है। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद संजू सैमसन को उन्होंने बोला भी था कि संजू सैमसन को लगातार मौका दिया जाएगा, उनके बारे में सोचा जाएगा। संजू सैमसन को T20 में मौका भी दिया गया था, लेकिन संजू सैमसन का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा। उसके बाद में संजू सैमसन के ऊपर तलवार लटक गई, बाहर हो गई। अब कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन टीम इंडिया से बाहर होने के बाद संजू सैमसन का एक बयान आया है। जब संजू सैमसन से पूछा गया कि भाई साहब आप क्या सोचते हैं, आपको टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया, तो संजू सैमसन ने बड़ी दिल जीतने वाली बात की। गौतम गंभीर को लेकर संजू सैमसन ने कमाल की बात की। चलिए आपको दिखाते हैं संजू सैमसन ने क्या कहा है, जिसके बाद में आप भी संजू सैमसन के फैन हो जाएंगे। संजू सैमसन ने कहा कि वो गौतम गंभीर को लेकर कि वो एक ऐसे इंसान है जो बड़े लक्ष्य के लिए खेलते हैं और हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ में जो चीज है उसमें जान लगाते हैं। मीडिया से बात में उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग में T20 सीरीज खेलने का अपने अनुभव को काफी अच्छा बताया। आपको बता दें कि गंभीर हमेशा से ही उनका सपोर्ट करते रहे हैं और उन्हें भारत के बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज बता चुके हैं। तो संजू सैमसन का जो बयान है कि वो अच्छे इंसान है, लक्ष्य के लिए खेलते हैं, हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करते हैं बात को, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ये जो संजू सैमसन का बयान है ये जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस को पसंद आ रहा है। क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि वास्तव में यार इंसान हो तो ऐसा जिसे गुस्सा ही नहीं आता है, जो रिएक्ट ही नहीं करता है, जो अग्रेसन ही नहीं दिखाता है, बेशक बाहर हो जाए, क्योंकि तमाम खिलाड़ी कुछ ऐसे रहे हैं कि अगर उनको टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो अग्रेसन दिखाते हैं, वो सवाल खड़े करने लगते हैं, वो सिलेक्शन पर सवाल खड़े करने लगते हैं, वो BCCI के लिए बयान देने लगते हैं। लेकिन संजू सैमसन को आप शुरुआत से देख रहे होंगे, जब से संजू सैमसन का सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के वक्त से, उसके बाद से संजू सैमसन के साथ जितनी लापरवाही, नजरअंदाजी उनकी हुई है, जितना उनका अपमान हुआ है, इतना अगर किसी और खिलाड़ी का होता तो वो अपना आपा खो बैठता। लेकिन संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी अग्रेसन नहीं दिया, कभी बयान नहीं दिया, कभी सवाल खड़े नहीं किए BCCI के ऊपर, कभी किसी कोच के ऊपर, किसी कप्तान के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए, हमेशा हर वक्त के हिसाब से सहते चले गए और संजू सैमसन खेलते चले गए। आज संजू सैमसन की अगर तारीफ हो रही तो इसीलिए हो रही है क्योंकि संजू सैमसन को कभी गुस्सा नहीं आता है, वो कभी किसी पर सवाल नहीं खड़े करते। तो आपका संजू सैमसन को लेकर इस खबर पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है वास्तव में संजू सैमसन जिसकी जिस तरीके की जेस्चर है, जिस तरीके का आदत उनकी है, जिस तरीके से वो काम कूल रहते हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में संजू सैमसन एक महान खिलाड़ी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और क्या संजू को मौका मिलना चाहिए यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।